तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब। आई नो यू ऑल आर वेल। लिटरली अगर मैं सच बताऊँ ना, मैं ये तीसरी बार अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। सच बताऊँ एक आदत से छूट गई है, क्योंकि 9 महीने पहले शायद, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग हूँ तो बता देना, 8 या 9 महीने पहले ही हमने गेम प्ले वीडियो डाला होगा। बहुत हो जाता भाई, 9 महीने में तो क्या कुछ हो जाता है। अब चलो वो हटाओ, यहाँ पर अब गेम प्ले है। एज यू नो आज लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही क्योंकि मैं बाहर हूँ और मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा मैं। सॉरी फॉर डैट। कल भी शायद नहीं हो सकती क्योंकि कल कुछ वाईफाई का जुगाड़ होगा। ठीक है, तो परसों पक्का लाइव स्ट्रीम होगी, तो परसों लाइव स्ट्रीम में ज़रूर आना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं, रोज़ करते रहते हैं। तो अब मेन उतरते हैं गेम प्ले पे। अब अगर मैं आपको गेम प्ले की बात बताऊँ तो यहाँ पे हम स्क्वाड खेल रहे थे और स्क्वाड में लिटरली यहाँ पर स्क्वाड में हम चार आए थे, फिर एक ने शायद लेफ्ट कर दिया था वहीं पे, तो हम तीन के साथ ही गए और रैंडम से एक हो गया। समझ मतलब कि मैं टीममेट्स के साथ कर रहा हूँ, रैंडम से साथ खेल रहा हूँ, और अगर आप देखो तो कोई कॉम्स नहीं है। हाँ हम मेरा माइक ऑन नहीं था, तो अब यहाँ पर पोचिंग के उतरे थे। पोचिंग के भी मैं और मेरा टीममेट ही उतरा था 2 नंबर। तो अब यहाँ पर बॉट वॉट को ख़त्म करने के बाद भाई टीममेट ने R1895 जो कि जिसको हम कट्टा कहते हैं, कट्टे से नोक निकाला भाई। लिटरली मैं शॉक हो गया, फिर वो खुद नोक हो गया। अब यहाँ पे उसने भी एक नोक निकाला तो मैं भी यहाँ घुस गया बस। और तभी मेरे को ये दिखते हैं भाई, बंदा रिवाइव कर रहा है और दे पट से भाई, मतलब तो लिटरली बंदा रिवाइव कर रहा था, हेलमेट नहीं था उसका, अरे बस ख़त्म कर देती है उसको, टाइम नहीं लगाते। तो अब यहाँ पे ये दोनों भी ख़त्म ही हो चुके थे। मैं भी वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी कोशिश सफल नहीं। तो अभी भी पोचिंग के में बंदे रह रहे थे और यहाँ पर बंदे देखते, तो भाई ये देखो अब ये बंदा मेरे फ्री फायर में आएगा खुद पे खुद। भाई मैंने गोली चलानी नहीं छोड़ी, वो बंदा खुद पे खुद सामने आ गया मुझे। अब हमारी क्या गलती है, हेड लगे वो नोक। अब यहाँ पे वो नोक तो थे, अब मैं एक नेड करता हूँ। आई डोंट नो नेड में कोई क्यों नहीं फटता, वो बाहर चले जाते हैं सारे मेन उसमें, आवाज़ आ जाती है भाई नेड की उन्हें। तो अब यहाँ पे जितनी भी हेल्थ थी टीममेट रश कर रहा था, तो लूटने का भाई कल्चर अपना है, चाहे कितना ही रश कर रहे हो लूटना तो है ही। और यहाँ पे टीममेट फुल रश करके सबको ख़त्म कर देता है, यहाँ पे मेरे को मेरा किल मिल जाता है। लेकिन अगर आपने देखा तो ये भी नॉक हो रखे थे अभी तक, तो इसलिए अभी भी हमें चिंता थी। एज क्योंकि पता है कोचिंग की का कल्चर, हमेशा से बंदे कैंप करते पाएंगे। और भाई ये मत लिखना, आई नो दिस गेम प्ले, मतलब ये भी 8 से 9 महीने पुराना, जब रैंगल 2.0 आया था, नया नया आया था उस टाइम का गेम प्ले, पबजी मोबाइल का, जब पबजी मोबाइल बैन नहीं हुआ था शायद, उसके सर्वर बंद नहीं हुए थे, बस ऐसे ही हो रहा था। और ये भाई लिटरली ये पबजी मोबाइल में भी ठीक नहीं था, ये अब भी ठीक नहीं है भाई। जो बंदे एकदम से टेलीपोर्ट करते हैं ना, सच बता रहा हूँ दिल कांप जाता है, स्प्रे नहीं होता यार। और अब यहाँ पे पोचिंग की हम पूरा खाली कर चुके थे, तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम मारते हैं किसी को या कोई ठुकते 3 नंबर के पास आते हैं। तो मैं ऐसे स्कोप खोल के देखता हूँ, तभी पीछे से फायर नहीं, साउंड्स आते हैं, फुटस्टेप्स आते हैं और ये मैं बोट प्रोन एंड शूट एज ऑलवेज। लेकिन तुम्हारा भाई ओपी गाड़ी में से उतरा ही नहीं, और टीममेट गाड़ी लेकर भाग जाता भाई लिटरली। और यही एक चीज़ होती है कि सामने एक बंदा होता है, मैं यूं स्प्रे मारता हूँ और उसके कनेक्ट होता है, और थोड़ा भाई झाड़ियाँ थी आगे इसलिए नहीं मार पाया मैं उनको, नहीं तो मैं मार देता, सच बता रहा हूँ, नहीं तो मैं पक्का उसको मारता। लेकिन तब भी अगले स्प्रे में उसको ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम उधर का साफ करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे फार्म के एरिया के आसपास ही है, और 3 नंबर का अति ही स्वागत होता है क्योंकि यहाँ पे एयर ड्रॉप गिरा हुआ था। अब हम तो आराम से आ जाते हैं लेकिन 3 नंबर तो भाई आते ही ख़त्म। और यहाँ पे रश होता भाई, मैंने डैमेज दिया था यार, लेकिन ये किल चोरी हो गया, कोई बात नहीं जस्ट चिल। अब ये देखना ज़रा, मैं बाहर आके पूरा बाहर आया लूटा, नीचे से फुटस्टेप्स आ रहे हैं, ठीक है मैं अंदर जाऊँगा, टीममेट बाहर जाएगा तभी वो बंदा आएगा। भाई मैं जब था तब क्यों नहीं ऊपर चढ़ा, मेरे को भाई किल ही नहीं देना होता है, इन्हें कोई सेंस है नहीं, मतलब भाई मेरे को बताओ ना किल क्यों नहीं देते। अब यहाँ पे
उनका एक बंदा फुल चंट बन के हमारी गाड़ी लेके भाग जाता है भाई। अब हमारी गाड़ी लेके भाग गया जिस गाड़ी में हम आए थे। अब कुछ तो करना ही था, तो मैं थोड़ा देखता हूँ कि मतलब वो बंदा कुछ दिख ही जाए, ताकि थोड़ा सा एक स्प्रे मार के कुछ नॉक करने की कोशिश हो। वो दिखता भी है लेकिन मैं मारता नहीं स्प्रे। और फिर ऐसे घूम रहे होते हैं तभी फायरिंग की साउंड आती है। अब फायरिंग की साउंड आई है, ये इग्नोर करना ठीक है। तो थोड़ा सांप प्रजाति बनते हैं, खड़ा होता हूँ मैं, और तभी मेरे को वो बंदा दिखता है खिड़की में से, और वो भी मेरे पे फायर करता है। शायद वो मेरे पे फायर कर रहा होता है, लेकिन तुम्हारे भाई का फायर अच्छा था, तुम्हारे भाई का स्प्रे अच्छा था भाई, स्प्रे तो है कुछ भी कहो। अब यहाँ पर टीममेट ने कह दिया था चलो अब रश करने की बारी है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी कोई भी वर्बल को नहीं हो रही थी, सारी हम लेट्स गो, ये ही इसी से हम चलते गए आगे। और ऐसे ही अब भगा भगा के ले गए। अब मैं डीपी में से भी गोलियां उठा रहा था भाई, देख रहे हो हालत। अब यहाँ पे टीममेट गाड़ी चलाता है और तुम्हारा भाई सल्लू भाई के साथ, सल्लू भाई नहीं है भाई। अब यहाँ पे ये देखना भाई, बंदा अभी रिवाइव हुआ होता है, एक हेड बस, एक हेड इसके पड़ता है और उसके भी शायद डैमेज होता है, वो भी डैमेज होता है। मैं मार्क करता हूँ भाई उधर ले चल उधर, क्योंकि बंदे डैमेज्ड है और वो है। अब यहाँ पे पता नहीं मैं कहाँ ही ऊपर देखता हूँ और टीममेट जाने से डर रहा होता है, तुम्हारा भाई फुल बूम बाम घुसता है अंदर। अब पूरा अंदर घुसने के बाद यहाँ पे आ जाता है जोन। अब भाई जोन बहुत डैमेज देगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा जोन था। अब मेन लास्ट जोन की बारी है, यहाँ पे मेरे को सामने दो बंदे दिखते हैं। अब भाई लिटरली मेरे से वन टैप बहुत कम लगते हैं, अगर मैं बात करूँ उसको मैंने डैमेज दिया और उसके पास भाई ओम थी। ओम एक्चुअली में हमें भी मिली थी, मैं पहले लेने वाला था ओम लेकिन टीममेट ने उठा ली। तो अब उसके पास ओम है, सामने वाले के पास ओम है, तो ओम वर्सेस ओम होना था। यहाँ पे मेरे को रिवाइवल मिल रहा था, लेकिन तुम्हारा भाई कहाँ पीछे रहता है, तुम्हारे भाई के पास M4+6X है। तो यहाँ पे रिवाइव होने के बाद एनर्जी ड्रिंक लगाते हैं और वो बंदा ओम से नॉक कर देता है, बहुत ही बढ़िया नॉक निकालता है। और मत जाओ भाई मत जाओ, स्प्रे पे मत जाओ भाई, मैंने पूरा डैमेज दिया था इसको, इस बार भी मैंने इसको डैमेज दिया था भाई, मेरा टीममेट ही किल चोर है, अब मैं क्या करूँ। तो अब यहाँ पे सबको नॉक करने के बाद, अब वो भी शायद नॉक फिनिश ही हो गए थे शायद वो, अब यहाँ पे बच रहे थे दो और बंदे और एक बंदा भाई ऐसा लिटरली गाड़ी घुमाया जा रहा। अब ये देखना भाई कहाँ गया डासे वाला, ये रहा भाई, ये बंदा गाड़ी से नहीं उतरेगा, मैं कह रहा हूँ लास्ट तक ये बंदा ज़मीन पे पैर ही नहीं रखना चाहता था। अब मैं यहाँ पे ऐसे ही फायर शॉट कर रहा होता हूँ, अगर कुछ लग ही जाए तो लग जाए। अब मेरे पास एमो ख़त्म हो गई थी भाई, टीममेट लिटरली कह रहा हूँ बहुत अच्छा टीममेट था मेरे साथ। रैंडम के साथ अगर आपकी ऐसी वो बन जाती है ना, तो चिकन डिनर पक्का है। अब यहाँ पे सामने से फायर हुआ था, अब बस करना क्या था, स्कोप खोलना था और थोड़ा सा एक स्प्रे लॉन्ग रेंज में हगना था, लेकिन फिर सेकंड स्प्रे में हगते नहीं है भाई। वो बंदा लिटरली लेट जाता है, अगर वो बंदा भागता रहता और गाड़ी के पास जाने की कोशिश करता तो वो बच जाता। और तब गाड़ी वाला बंदा अभी भी देखा ना आपने भाई, अभी भी डासिया में ही घूमे जा रहा है। और अब उसकी चुल देखना बस एक बार, उसके अंदर भाई लिटरली इतनी वो थी, उसे पता है यहाँ पे एक तो बंदा है, यही ला के गाड़ी ठोक देगा, देखना जरा। अब ये देखो भाई बंदे ने गाड़ी ठोकी, ये देखो गाड़ी ठोक दी। यहाँ पे अब स्प्रे पड़ता हुआ भाई, दो लोग मारेंगे ऑब्वियसली, बंदा नॉक होगा और चिकन डिनर मिलता हुआ। तो अब यही था आज का गेम प्ले, मिलते हैं अगले दिन, बाय।